सपने बहुत देखे होंगे। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपके सपनों का घर, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज ही मिलने वाला है आपको। काफी शानदार एलिवेशन में आपको ये आपको विला मिलने वाला है, सपनों जैसा घर आपको मिलने वाला है, जो कि रहने वाला है सेक्टर 125 में, सन इनक्लेव में ये लोकेशन रहने वाली है, नियर चंडीगढ़ रहने वाला है। हॉटस्पॉट्स काफी अच्छे रहने वाले हैं, बसा बसाया एरिया है, लोग जो नियर बाय सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, घर बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ये शानदार विला आपको मिलने वाला, कोठी मिलने वाली है, 193 स्क्वायर यार्ड का ये विला रहने वाला है, जो कि 4 BHK रहने वाला है, आपको सेम एज इट इज इंटीरियर के साथ आपको मिलने वाला है। तो वक्त जाया ना करते सीधा आपको ले चलती हूँ अंदर। सबसे पहले आप देख लीजिए इसका एलिवेशन, जो एलिवेशन रहने वाला है काफी खूबसूरत एलिवेशन आपको मिलने वाला है। वीडियो डोर इंटरकॉम फैसिलिटीज की आपको यहाँ पे प्रोविजन मिल रही है, और काफी अच्छा लुक मिल रहा है, डिसेंट लुक है। लाइटिंग आपको देख सकते हैं, काफी अच्छी लाइटिंग आपको मिल रही है। ग्रीनरी हमने फर्स्ट डे से मेंटेन की है, आपको अगर किचन गार्डन बनाना चाहते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, जिससे आपके घर की जो एक लुक है काफी अच्छी आ रही है। ग्रे कलर का हमारा एक तरह यहाँ पे टोन रहने वाला है, काफी अच्छा है। तो वक्त जाया ना कर सीधा चलते हैं अपने वला के अंदर, आपको दिखाती हूँ इस शानदार महल को। तो आइए चलते हैं, आप देख सकते हैं एंट्रेंस पे आपको आपको काफी अच्छा बरम एरिया मिल जाता है। यहाँ पे स्टेयर केस है, उसके बाद ये आपके जो रहने वाला ये स्लाइडर के साथ आपको आपका ये रहने वाला गेट रहने वाला है, स्लाइडर के साथ एंटर करते आपको मिल जाती है आपकी काफी स्पेशियस पार्किंग मिल जाती है, जिसमें आपके नीचे देख सकते हैं टाइल्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, और देख सकते हैं गमले वगैरह लगा के कैसा अच्छा एक लुक आ रहा है हमारी विला का। इसमें आपको सेम एज इट इज ही मिलने वाला है विद इंटीरियर के साथ, जो कि आप मेरे वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपकी पार्किंग स्पेस एक गाड़ी की यहाँ पे इजिली हो सकती है, आपकी एक गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे एक और हो सकती है, दो कार पार्किंग आपको अंदर मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी गाड़ी XUV गाड़ी आपकी इजिली यहाँ पे पार्क हो जाएगी, एक आप बाहर पार्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी अच्छा लुक दे रखा है यहाँ पे। इवन कैमरास का असिस्ट भी आपको मिलने वाला है, कैमरा लगे लगा यहाँ पे मिलने वाले हैं इस कोठी में। आप देख सकते हैं टेक्सचर देख सकते हैं आपको, ये आपका सेम एज इट इज ही रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको फॉल्स सीलिंग कंसील लाइट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, डेकोरेटिव जो लाइट्स हैं एज इट इज ही रहने वाली है, ये भी आपको सेम एज इट इज ही मिलने वाला है, पैच आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं अंदर, ये आपका हैंडल एज इट इज ही रहने वाला है, लॉक के साथ आपको यहाँ पे आपका मेश डोर मिलने वाला है, और उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने यहाँ पे जो वुडन का डोर रहने वाला है, जो कि प्रॉपर आपका डिजिटल रहने वाला है, जिससे आप कार्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं और पिन भी लगा सकते हैं। एंटर करते हैं हम आ जाते हैं अपने काफी खूबसूरत लिविंग एरिया में, जहां पे हमारी फैमिली फुल ऑन टाइम एंजॉय करती है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो यही वो एरिया है जिससे आप अच्छा एक डेकोरेट कर सकते हैं। सोफा इजिली 9 to 8 सीटर लग जाएगा, 10 सीटर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मूव करने के लिए फिर भी आपके पास काफी स्पेस मिल जाएगा। एलईडी आप सामने भी लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं, जैसा भी आप करना आपका मन हो वैसे लगा सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं काफी एंटीक आपको यहाँ पे मिलने वाली आपकी फॉल सीलिंग विद कंसील लाइट्स के साथ। यहाँ पे आपको डेकोरेटिव थिंग्स के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, आप इजिली लगा सकते हैं। फ्रंट पे आपको विंडो मिल रही है फॉर योर वेंटिलेशन और योर सनलाइट, प्रॉपर आपकी सनलाइट आएगी यहाँ पे। और ये आप कर्टन देख रहे हैं सेम एज इट इज रहने वाले हैं, और काफी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के रहने वाले हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रंट पे डिजाइन मिल रहा है प्रॉपर आपके लिविंग एरिया में, जिससे आपका जो लिविंग एरिया की ग्रेस है काफी अच्छी आ जाती है। अब चलते हैं हम कवर करते हैं अपने डाइनिंग स्पेस को। दोस्तों ये रहने वाला हमारा डाइनिंग स्पेस, जिसमें आप 6 सीटर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इजिली मूव कर सकते हैं। और जो स्टेयर्स के नीचे वाला स्पेस हमने ऑलरेडी यूटिलाइज किया, यहाँ पे आपको एलईडी पैनल दे दिया है प्रॉपर बना के, यहाँ पे भी आपके पास काफी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग का वर्क काफी हैवी कर रखा है हमने, जो कि आपके डाइनिंग स्पेस को कवर करता है। फॉल सीलिंग कंसील लाइट्स एज इट इज ही रहने वाली है आपको, आप देख सकते हैं एलईडी लाइट जो येलो लाइट्स है सेम एज इट इज ही रहेगी आपकी। उसके बाद आ जाती है हमारे घर की किचन, जो कि बहुत ही खूबसूरत स्पेशियस और रहने वाली है, जिसमें आपको हर एक चीज फुलफिल होती है, हॉब आपका माइक्रोवेव हर एक चीज आपको यहाँ पे मॉड्यूलर ही मिलने वाली है।
ये बेकिंग का रहने वाला है प्रॉपर, आपके ये पेंट्री बॉक्सेस रहने वाले हैं, यहाँ पे आपके रहने वाला है हाइड्रोलिक, आपके प्रॉपर पेंट्री बॉक्सेस रहने वाले, मतलब आपकी किचन में कोई कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो किचन है प्रॉपर काफी स्पेशियस है। इवन यहाँ पे 5-6 लोग भी खड़ जाएंगे आपके किचन में, फिर भी आपके पास काफी स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको प्रॉपर लाइटिंग मिलने वाली है। अगर आप इस कोठरी को बाय भी करना चाहते हैं और ऐसा कुछ इंटीरियर भी देख रहे हैं, तो दोस्तों हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपकी विंडो मिलने वाली है, यहाँ पे सिंक मिलने वाले हैं, प्रॉपर ड्राई एरिया अलग, वेट एरिया अलग, आपके पास इनफ स्पेस है, और इवन कैबिनेट्स है जिसमें आप अपना किचन का सामान इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रहने वाला है सिंक रहने वाला है प्रॉपर, जो कि गेस्ट आता है तो आप अपना वॉशरूम नहीं यूज करवाना चाहते, हैंड वॉश के लिए यहाँ पे प्रॉपर अलग से उनका रहने वाला है, प्रॉपर सिंक रहने वाला। चलते फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 2 बेडरूम सेट आपके नीचे रहने वाले हैं, 2 बेडरूम सेट आपके ऊपर रहने वाले हैं। एंट्रेंस पे भी आपको देख सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे लुक मिल रहा है आपके डोर सेट का, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर, और काफी वाइड रहने वाला है और आपकी लेंथ वाइज भी अच्छा है। एंटर करते आप देख सकते हैं अपने रूम में, ऐसा फील आता है कि हम कहाँ ही जन्नत में आ चुके हैं, क्योंकि इसका जो लुक है आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक आपको मिलने वाला है आपके बेडरूम का। फॉल सीलिंग यूनिक रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके वॉल पे जो डिजाइन है एंड वॉल पेपर है सेम एज इट इज ही रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल रही हैं और टेक्सचर्स पेंट मिल रहे हैं। यहाँ पे स्लाइडर के साथ आपके वार्डरोब्स रहने वाले और काफी हैवी आपका यहाँ पे मिलने वाले हैं, वुड मिल रही है, देखो फुल हाइट रहने वाली है। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है, जहाँ पे आपकी वाइफ तैयार होने वाली है, और आपके देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको इनफ स्पेस मिलने वाला है। और ये आपका सामने रहने वाला एलईडी पैनल, यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगाएं और रात को अपनी मूवी एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपका वॉशिंग एरिया रहने वाला है, यहाँ से प्रॉपर एक्सेस रहने वाला है उसका। और ये आपका रहने वाला है वॉशरूम रहने वाला है प्रॉपर, इसमें भी आपको हर एक चीज प्रॉपर मॉड्यूलर रहने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको लाइटिंग के साथ आपको आपका मिरर मिलने वाला है, जिससे आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने मिरर का। देन अब चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया, नीचे आपके 2 बेडरूम सेट रहने वाले, ऊपर आपके 2 बेडरूम सेट रहने वाले। दिस इज आवर सेकंड बेडरूम, आप देख सकते हैं सेम साइज का रहने वाला है और इंटीरियर एज इट इज ही रहने वाला है। मेरे पास काफी क्वेरीज भी आती है कि मैम इंटीरियर काफी अच्छा है, क्या आप इस कोठी का ऐसे इंटीरियर मिलेगा? जी हाँ, आपको जो आप कोठी मेरे साथ विजिट कर रहे हैं एज इट इज ही मिलने वाली है। आपको हर एक चीज जो कि आप देख रहे हैं, लैंप देख रहे हैं, लाइट्स देख रहे हैं, एज इट इज ही रहने वाली, कर्टन्स तक आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे भी आपको स्लाइडर के साथ आपको मिलने वाला आपका वार्डरोब्स, एंड दिस इज योर ड्रेसिंग एरिया, आप यहाँ पे अपना ड्रेसिंग एरिया सेटअप कर सकते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे रहने वाला एलईडी पैनल, स्पेस की कोई कमी नहीं है, आप इजिली कुछ भी रख सकते हैं, आपके पास छोटे छोटे स्पेसेस यहाँ पे बहुत है जिसमें आप अपना सारा घर का सामान इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पीछे रहने वाला आपका प्रॉपर जो कि वॉशिंग एरिया, जो कि ऐसा आपका उस रूम से रहने वाला था, ये प्रॉपर वॉशिंग एरिया रहने वाला है। इस साइड आपका रहने वाला वॉशरूम, जो फुली लोडेड रहने वाला है प्रॉपर, आपका जो फुली फर्निश्ड आपको मिल रहा है, एक तरफ सिर्फ अपने बेड और सोफा वगैरह लेके आने, बाकी इंटीरियर हो रखा है, आप इजिली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अपस्टेयर, अपस्टेयर्स भी आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत यहाँ पे डिजाइन आपको यहाँ पे विजिबल होता होगा, काफी खूबसूरत डिजाइन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब चलते हैं अपस्टेयर्स, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको मिरर के साथ स्टील की रेलिंग के साथ आपको ग्रेनाइट मार्बल के साथ आपको स्टेयरकेस मिलने वाला है। यहाँ पे काफी एंटीक डिजाइन आपको मिलने वाला है, जिसमें ग्रीनरी हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंटेन की है, ये जो रहने वाली आर्टिफिशियल ग्रीनरी रहने वाली है, जिससे मतलब आपकी जो लुक है आपके यहाँ पे काफी उभर के आ रही है और काफी यूनिक लग रहा है। आर्किटेक्ट ने काफी अच्छा यहाँ पे काम किया है इंटीरियर वाइज। तो ऊपर आते ही हमारे पास ये स्पेस जो आ जाता है, ये आपका एक आ जाता है लिविंग, ये आप अपस्टेयर आते ही आपके पास यहाँ पे जो स्पेस आने वाला है ये आपका आता है लिविंग स्पेस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इजीली सोफा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद ही मूव करने के लिए काफी स्पेस रहने वाला है। सामने आपका एलईडी पैनल रहने वाला है, स्टोरेज बॉक्सेस नीचे रहने वाले, फॉल सीलिंग कंसील लाइट्स सेम एज इट इज ही आपको मिलने वाली है इस घर में।
आप देख सकते हैं यहाँ से, आप लुक वाइज देख सकते हैं काफी अच्छा आपको यहाँ पे भी लुक मिलने वाला है। ये झूमर भी आपको एज इट इज ही मिलने वाला है। ऊपर आप देख सकते हैं डिजाइनिंग काफी अच्छी होने वाली है। इंटीरियर की इस घर में कोई कमी नहीं है। आप बस अगर ऐसा ही कुछ प्लान कर रहे हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे साथ। ये रहने वाला हमारा थर्ड बेडरूम, जिसमें आप देख सकते हैं एज इट इज ही मिलने वाला है। जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो आप फॉल्सिलिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो वार्डरोब्स की बात कर लीजिए, चाहे आप ड्रेसिंग एरिया की बात कर लीजिए, चाहे आप कर लीजिए एलईडी पैनल की बात, चाहे कर लीजिए कर्टन की बात, कर्टन्स भी एज इट इज ही मिलने वाले हैं। काफी प्रीमियम रहने वाला है। आपको हर एक चीज प्रीमियम मिल रही है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलने वाला है व्यू, मिलने वाला है आपके यहाँ पे बालकनी का। इस साइड आपको मिलने वाला है आपका वॉशरूम एरिया। यहाँ पे भी ऊपर आपको प्रॉपर फॉल्सिंग मिल रही है आपके वॉशरूम में। आप चलते अपने यहाँ पे रहने वाली है आपकी मॉड्यूलर किचन। ये आपकी छोटी सी एक मॉड्यूलर किचन रहने वाली है। अगर आप ऊपर वाला एरिया रेंट आउट भी करना चाहते तो आप इजीली रेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर उनके लिए काफी अच्छा स्पेस है। दो बेडरूम सेट है, प्रॉपर किचन भी एरिया आपको मिलने वाला है, और आपको यहाँ पे उनके डाइनिंग स्पेस के लिए स्पेस मिलने वाला है। सामने आपको मिलने वाला है, जैसे कि मैंने बताया आपको, आपका बालकनी एरिया रहने वाला है, जो कि प्रॉपर डेकोरेटिव रहने वाला है, जिससे ऑलरेडी हमने अपने गमले लगा रखे हैं। यहाँ से आप अपना प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं, टू सीटर अपना लगा सकते हैं, चाय का आनंद ले सकते हैं। वैसे भी अब सर्दियां आने वाली हैं, तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लुक काफी अच्छा आने वाला है आपके घर का। इससे आपके जो घर की ग्रेस है बालकनी से काफी उभर के आती है। तो आप देख सकते हैं गमले ऑलरेडी हमने लगा रखे हैं, मिरर लगा हुआ है आपका स्टील की रेलिंग के साथ। काफी खूबसूरत डिजाइन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत यहाँ पे अच्छा काम कर रखा है हमने। यहाँ पे प्लाईवुड लग रखा है। यहाँ पे आपका मेश डोर के साथ आपको वुडन का डोर भी रहने वाला है। अब चलते हैं यहाँ का ऊपर का एक, यहाँ पे रहने वाला है स्टोर रूम रहने वाला है प्रॉपर। उसके साथ ही आपको मिलने वाला है पूजा रूम के लिए स्पेस प्रॉपर, क्योंकि हर घर में मेडिटरी होता है एक पूजा रूम, तो हमने पूजा रूम भी आपको यहाँ पे दे दिया। अब चलते हैं यहाँ का फोर्थ बेडरूम विजिट करते हैं दोस्तों। ये इस कोठी का लास्ट बेडरूम रहने वाला है, फोर्थ बेडरूम, जो कि काफी स्पेशियस रहने वाला है। आप देख सकते हैं आप बेड भी लगा लोगे ना, सोफा भी यहाँ पे इजीली लग सकता है आपका, जो कि टू सीटर सोफा इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद भी आप अच्छे से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटीरियर देख सकते हैं प्रॉपर, आपको लाइट्स मिल रही हैं प्रॉपर, और जो बैक आपको डिजाइन मिल रहा है आपके यहाँ पे प्रॉपर टेक्सचर का डिजाइन मिल रहा है, प्रॉपर वुड के साथ आपको मिल रहा है। आप इजीली यहाँ पे अपना बेड इंस्टॉल कीजिए और अपनी यहाँ पे पूरी नींद लीजिए अपनी। और ये आपका रहने वाला है वार्डरोब, जिसमें आप अपने कपड़े रखने वाले हैं, और फुल हाइटेड आपके रहने वाले वार्डरोब्स। और ये आपका रहने वाला है ड्रेसिंग एरिया, एंड दिस इज योर एलईडी पैनल, एंड स्टोरेज बॉक्सेस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको कर्टन्स के साथ आपको यहाँ पे विंडो भी मिल रही है फॉर वेंटिलेशन सनलाइट। इस साइड आपका मिलने वाला है प्रॉपर वॉशरूम एरिया, फुल हाइटेड टाइल्स के साथ आपको मिलने वाला है। पीछे आपका रहने वाला है टेरेस गार्डन रहने वाला है, वो भी आपको विजिट करवाती हूँ एक बार। तो ये रहने वाला हमारा टेरेस गार्डन, आप देख सकते हैं प्रॉपर। आप यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा के अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छा एक छोटा पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी काफी इनफ स्पेस है। ऊपर आपके वाटर स्टोरेज टैंक के इंस्टॉल रहेंगे। यहाँ पे अभी आपको टैब लग रही है, टैब लगी लगाई मिलेगी, और आप देख सकते हैं कवरिंग काफी अच्छी आपको मिलने वाली है, कि आपके घर अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी है, तो आपके पास मतलब उनके लिए सेफ्टी पर्पज के लिए काफी अच्छी रेलिंग ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर टाइल वर्क आपको मिलने वाला है। इसमें भी आपको मेश डोर मिल रहा है, साथ ही वुडन का डोर भी आपको लगते मिल रहा है। दोस्तों अभी जो आपने मेरे साथ कोठी विजिट की है, ये प्रॉपर रहने वाली है हमारी 193 स्क्वायर यार्ड की कोठी है, जो कि काफी खूबसूरत एलिवेशन के साथ है। सपनों का घर रहने वाला है आपका। तो फटाफट आप फोन उठाइए अगर आप ये बाय करना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड इन्वेंट्री है। मेरे पास ये सिंगल यूनिट है ऐसी इंटीरियर के साथ अभी, तो आप जल्दी से जल्दी फोन उठा के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए, कि ऐसे घर की हम आपको टूर करवाते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी लोकेशन का। तब तक के लिए बाय बाय।